हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं और इसमें हम लोग आज बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जो सबसे अच्छा इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिम्नास। जिम्नास मींस होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी ऐसे पौधे जिनके सीड नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब नग्न। नग्न से क्या मतलब है, यहाँ पर इनको हम लोग कह देते हैं कि सीड विदाउट ओवरी, यानी ऐसे सीड जिसमें ओवरी नहीं पाई जाती है, तो ऐसे सीड को हम लोग नेकेड सीड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, ये साइकस का है, इसको हम लोग सागो पाम के नाम से जानते हैं। और इसकी ये दो स्पीसीज यहाँ पे लगी हुई हैं और दो प्लांट भी लगे हुए हैं, ये फीमेल है और इधर वाला ये मेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो प्लांट्स होते हैं वो जीरो फाइट्स के रूप में होते हैं। जीरो फाइट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो है कह लीजिए कुछ ऐसे अडाप्टेशन होते हैं जो कम पानी में ग्रो कर सकते हैं, तो उनको हम लोग कह देते हैं मरुद्भिद कहते हैं ये, या मरुस्थलीय प्लांट भी कह सकते हैं हम लोग। जैसे जो डिज़र्ट में है तो उसको मरुस्थलीय कह देते हैं, लेकिन जो ऐसे प्लांट्स जो जीरोफिटिक हैबिटेट के होते हैं इनको हम लोग मरुद्भिद कहते हैं। ये वाटर की स्कैरसिटी यानी पानी की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे उसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसको हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनकी जो लीफ होती हैं, अगर हम लोग साइकस की बात करें या पाइनस की बात करें, तो इनकी जो लीफ होती हैं वो स्पाइन के रूप में होंगी, या जो है जो लीफ है वो मॉडिफाइड बहुत चौड़ी लीफ आप इसमें आपको इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो है कह लीजिए जो लीफ हैं ये होंगी, लेकिन ये जो है कह लीजिए स्पाइन के रूप में हो सकती हैं, या जो है कह लीजिए कि आपको बहुत कम चौड़ी लीफ मिलेगी। तो ये जीरोफिटिक एडाप्टेशन होता है। उसके अलावा दूसरा जो जीरोफिटिक एडाप्टेशन का जो करेक्टर होता है वो इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो सेकेंड टाइप के होते हैं। और अगर हम रूट की बात करें तो जो रूट होती है वेल डेवलप होती है। उसके अलावा जो है कह लीजिए जो लीफ हैं उनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्यूटकिल कहते हैं। तो क्यूटकिल का पाया जाना सेकेंड टाइप के स्टोमेटा। और उसके अलावा जो है कह लीजिए यहाँ पे जो लीफ हैं वो स्पाइन के फॉर्म में, या जो है कह लीजिए बहुत अच्छे से डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में रखा गया जीरोफिटिक हैबिटेट में इनको रखा जाता है। तो यहाँ पे आप ये कुछ जीरोफिटिक करेक्टर्स हैं और जो है कह लीजिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।